आज भी एकदम बारिश जैसा मौसम हो रहा है यार, लेकिन मैं तो निकल गया हूँ, दोपहर के 2 बज रहे हैं अभी। वैसे मैं जा रहा हूँ दुकान पे टीवी लेने के लिए, तो मैंने 3 टीवी देखे हैं। अब मुझे उसमें से डिसाइड करना है, मैं दुकान पे जाके देखूंगा कि क्या मामले हैं, कि ये मुझे कैसे टीवी दिखा सकते हैं, फिर मैं टीवी चूज करके ले लूंगा। अब मैं टीवी लेने का प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि स्पीकर लेता तो $200 का आ रहा था, $300 का 55 इंच टीवी आ रहा था, तो वही ले रहा हूँ मैं। तो मैं तो देख रहा हूँ अभी कौन सा लूँ, जो 3 में से 2 है। सैमसंग वाला तो वो ये कह रहे कि इतना कोई खास नहीं है, LG वाला डिस्प्ले पे नहीं है, और शायद वो इंसिग्निया है एक और ब्रांड, वो भी इनका डिस्प्ले पे नहीं है शायद। तो सीन ऐसा है कि वो कह रहा है सैमसंग वाला तो देखो 2 साल पुराना है, एक इंसिग्निया वाला है जो इनका बेस्ट बाय का ब्रांड है, तो वो सस्ता इसीलिए है क्योंकि वो बेस्ट बाय का ब्रांड है, और मतलब उसकी ऑब्वियसली क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और कंपैरिजन में LG है तो ऑब्वियसली LG लूंगा। ये LG का है, ये $350 का है, पर ये उससे एक मॉडल आगे का है। जो मैं ले रहा हूँ वो $300 वाला ले रूंगा, तो वो भी ऐसा ही होगा मतलब। तो ये उससे एक मॉडल आगे का है, $350 का है, और वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम ही है, तो कोई इतना फर्क नहीं है। तो ऐसा दिखेगा मेरा टीवी 55 इंच। ये वैसे बहुत छोटा लग रहा होगा, पर 55 इंच है, कमरे में तो मेरे बहुत बड़ा लगेगा एकदम से, तो उठा ही लेते हैं फिर, और क्या। बस दिक्कत एक है, इसको लेके कैसे जाना है घर, और कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं $350 दे के यही ले लूँ, $50 का ही तो फर्क है, लेकिन फिर मुझे स्टैंड भी लेना है और फिर टैक्स भी लगेगा इस पे। तो कोई बात नहीं, मैं एक मॉडल पीछे वाला ही ले लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा, इतना कोई फर्क तो होता नहीं है। ओके, तो मैंने तो अभी ले लिया यार, अब इसको उठा के लेके जाना पड़ेगा, डिलीवर होगा तो ट्यूजडे तक होगा, तो आज फ्राइडे मिल रहा है ऐसे ही तो लगा लेंगे। इसमें एयरप्ले भी है, एलेक्सा भी है, सारे स्मार्ट ये भी है। इनकी ब्लैक फ्राइडे सेल की वजह से मुझे $200 का डिस्काउंट मिल चुका है, तो मुझे 331 का पड़ा बेसिकली, टैक्स वैक्स मिला के। यहाँ टैक्स नहीं लगता ना पहले ही, ऑब्वियसली। अब इसको उठा के लेके जाना पड़ेगा, तो मैंने वहाँ से टीवी उठा लिया, बस वहाँ तक जाना है। बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिया मैंने, भारी बहुत है यार, भारी की बात नहीं है, मतलब ऑकवर्डली उठाना पड़ रहा है ना, उसकी वजह से जान ज्यादा लगती है। कोई नहीं, अब तो ऑलमोस्ट पहुंची गया अपने नए टीवी लेके। कमाल कर दिया वैसे मैंने तो, सड़क पे ऐसी टीवी उठा के ले आया हूं मैं एकदम, इतना बड़ा है भाई ये, बहुत परेशानी हुई है मुझे लाते में। वैसे मजाक से हटके भाई, बहुत बड़ा है भाई टीवी, दिखाऊं कैसे लेके आया हूं? ऐसे लेके आया हूं, इधर से उठा के ऐसे करके पूरा रास्ता सड़क पार करी, ये किया वो किया, ओ हो हो हो, हाय राम, पूरे हाथों में लग गई मेरे। बस अब एक प्रॉब्लम है छोटी सी, और वो प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसके लिए एक फ्लोर स्टैंड मंगाया, क्योंकि माउंट ऑन दीवार पे कर रहा है इनकी, पता नहीं मुझे ड्रिल व्रिल करो ये वो, उसके लिए बंदा आएगा लगा इतना टाइम, तो मैंने एक फ्लोर स्टैंड मंगाया जिसमें मैं इसको लगाऊंगा। तो ये मेरा बेड है, इधर फ्लोर स्टैंड से मैं अपना टीवी लगा दूंगा। अभी के लिए जो मेरे पास ये टेबल है इसको इधर खिसका के इस पे सेटअप कर देता हूँ। भाई मैं 2:02 पे घर से निकला था, ठीक है, जब मैंने शूटिंग करनी शुरू करी थी वहां पे। 2:22 पे मैं घर के अंदर हूँ, टीवी वहां जाके खरीद के पैसे दे के टीवी उठाने के बाद, भाई साहब इतना भारी, कमाल कर दिया, 20 मिनट में मैंने इतनी बड़ी चीज कर दी, वाह। अब टीवी सेटअप करेंगे, ये मजा आएगा यार, टीवी होना जरूरी है ना, फिल्म मेकर बनना, फिल्में देखनी पड़ती है ना यार, ये एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी ना, काम के लिए है ये, मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। चलो टेबल तो मैंने इधर शिफ्ट कर दी है, चलो टीवी अनबॉक्स करता हूँ। भाई सबसे पहले हमारे पास तार आ चुकी है, इसकी पावर केबल, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बिना टीवी चलेगा ही। एक स्टैंड आ चुका है मेरे पास इसका, टेबल पे रखने के लिए दूसरा स्टैंड आ चुका है इसका, रिमोट सेल वेल बुक बुक, एक स्टैंड तो खुल गया। वक्त आ चुका है कि इसको उठा के वहां रख दिया जाए, कहां से उठाऊं और कैसे रखूं ये फिगर आउट करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं उठेगा ऐसे। टेबल पे पीछे, अरे मेरा टेबल पे पीछे मेरा मंदिर भी बना हुआ है ना, तो मैं इसको ज्यादा पीछे नहीं कर पा रहा हूँ, पर देखता हूँ कितना जा पाएंगे मैक्सिमम। यस, सही लग रहा है एकदम, कैसा लग रहा है मेरा नया टीवी गाइस? मुझे तो सही लग रहा है, साइज भी सही है एकदम, मेरे यहाँ से बढ़िया दिखेगा व्यू, एकदम बड़ा बड़ा टीवी, वाह। फ्लोर स्टैंड आ जाएगा तो बात बन जाएगी वैसे। चलो इसके नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं जरा, तो रिमोट निकालता हूँ इसका, सेल काम का है ये, मेरे नए टीवी का रिमोट है, कैसा लग रहा है तुम लोगों को? वाह क्या बात है, क्या रिमोट लिया है मैंने। वाह क्या बात है, चल जाओ भाई, अरे ऑन नहीं हो रहा,
आवाज देख लेते हैं कैसी आवाज बेकार होती है ना इन टीवियों की, बस क्या क्वालिटी है, कमाल हो गया। वाह मुझे मजा आ गया, मैंने नया टीवी ले लिया, मैं तो खुश हो गया हूँ एकदम, बढ़िया मजा आ गया मुझे जिंदगी का, क्या बात है। आवाज तो सही है इसकी, वरना पहले तो बहुत खराब हुआ करती थी आवाज इसकी, ठीक ठीक है। कल को जाके कभी ले लेंगे स्पीकर, कल को, अभी के लिए तो बढ़िया लग रहा है मुझे भाई। मैंने इसमें एकदम दुकान वाली वीडियो लगा दी है जिससे टीवी की क्लैरिटी एकदम कमाल की हो जाती है। वाह क्या टीवी खरीदा है मैंने, कमाल कर दिया, क्या क्लैरिटी है यार, तुम्हें इससे नहीं इतना पता लग रहा होगा पर लाइव में तो बहुत क्लियर। वाह क्या बात, क्या क्वालिटी है टीवी, एलजी का टीवी, ओ बेस्ट टीवी इन द वर्ल्ड। साइज भी बिल्कुल सही है, 55 इंच, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है क्योंकि मैं यहाँ पे आराम से लेट के देखूंगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा मुझे दिखेगा, यूनिवर्सल से करके देखना पड़ेगा। और ऐसे 43 टाइप भी नहीं है कि भाई मतलब छोटा, मजा नहीं आ रहा, एकदम परफेक्ट साइज है। फट से कमरा साफ कर लेता हूँ, फिर कुछ खाते हुए टीवी देखूंगा। मस्त अपना खाना ले आया हूँ, आज खाना खाऊंगा टीवी देखते देखते। वाह बेड पे कोई लैपटॉप नहीं है, कुछ नहीं है भाई साहब, बस मैं बैठा हूँ, सौरभ जोशी व्लॉग लगा लिया, आराम से देखते देखते खाऊंगा।